ओए शाबाश, अगर इसी तरह खेलते रहे तो नेशनल टूर्नामेंट फुटबॉल मुकाबले में हम ही जीतेंगे। गुड आफ्टरनून सर। ओ गुड आफ्टरनून मैम जी, आइए आइए। और कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और दसो जी, कैसी चल रही प्रैक्टिस? परफेक्ट, मेहनत कर रहे हैं बच्चे। हाय। हो गई प्रैक्टिस? हो गई। यार यानी हम कोच सर से एक बात तो पूछना ही भूल गए। कौन सी बात? अरे वो यार, वो जो उत्तराखंड टूर्नामेंट के लिए गर्ल्स एंड बॉयज टीम के खिलाड़ियों एंड कैप्टन लिस्ट लगने वाली थी ना आज, वो तो पूछी नहीं हमने। इसमें नई बात क्या है? हर बार की तरह इस बार भी कैप्टन तो अपने एनी और आर्यन को ही बनना है। बिल्कुल ठीक कहा, आखिर दोनों बड़े बाप की औलाद जो ठहरे। एक मिनट रॉकी, हम कैप्टन बड़े बाप की वजह से नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हैं। क्या एनी, छोड़ो ना, तुम नहीं जानती इसको मजाक करने की आदत है। और हाँ, अब तो लिस्ट भी लग चुकी होगी। चलो चलकर देखते हैं। लेट्स गो। चलो देखते हैं। हे कांग्रेचुलेशंस एनी, थैंक यू मैम, फिर से कैप्टन बन गई। आई प्राउड ऑफ यू। कांग्रेचुलेशंस एनी। कांग्रेचुलेशंस एनी। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों की टीम की कैप्टन के लिए तुम्हारा ही नाम अनाउंस हुआ है। क्या यार, इस बात का तो हमें पहले ही मालूम था। और लड़कों की टीम का आर्यन ही होगा। लेकिन यार गौरव, यहाँ तो सिर्फ लड़कियों के नाम की लिस्ट लगी है, लड़कों का तो नाम ही नहीं। सैम, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैम ये क्या, नोटिस बोर्ड पे सिर्फ लड़कियों के नाम की लिस्ट और लड़कों की? हाँ हाँ, लड़कों की टीम को लेकर बोर्ड में अभी कुछ विचार चल रहा है। लेकिन मैम, जाने में सिर्फ 5 डेज बचे हैं और अभी तक लड़कों के नाम की लिस्ट ही नहीं लगी है। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ओके ओके मैम, सी यू गाइस, बाय बाय। आर्यन, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो शक सा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो एनी, आखिरकार कैप्टन तो मुझे ही बनना है। मगर अब ये सब छोड़ो, आज का दिन तो मौज मस्ती का दिन है, बड़ी पार्टी का दिन है। ओके ओके, शाम को मिलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू होम। देख यार भाटिया, ऐसे शुभ काम के लिए अब और इंतजार नहीं होता। ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अरे भाई मल्होत्रा, मैं तो खुद बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब बच्चे बड़े हों और मेरे कंधों से बोझ उतरे। अरे तो फिर तू टेंशन को ले रहा है, मैं जल्दी तेरे कंधों का भी और तेरा भी दोनों का वजन कम कर देता हूँ। ये तो आपस में यूं ही बातें करते रहेंगे, ना जाने कब बच्चों से बात करेंगे। हाँ बहन जी, आप ठीक कह रही हैं। तो आज करते हैं ना। लो आ गए, यानी भी आ गई। हेलो अंकल, हेलो बच्चों, बैठो बैठो। हाय मॉम। बैठो बच्चों, बैठो। आप जानते हैं, हर बार की तरह इस बार भी एनी को लड़कियों की टीम का कैप्टन चुना गया है। अरे भाई बेटी किसकी है? वेल डन, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस बेटे। थैंक यू अंकल। अरे हाँ आर्यन, आज लड़कों की टीम के नाम भी तो अनाउंस होने थे, उसका क्या रहा? अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि टीम में आर्यन से बेटर कोई प्लेयर नहीं है, इसलिए कैप्टन तो आर्यन ही होगा। ओके आर्यन, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। बड़े प्यारे बच्चे हैं दोनों। अब इन्हीं की बात आपने तो। अरे कर लेंगे यार, थोड़ा माहौल तो बनने दे। अरे भाई मल्होत्रा, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर में भी आर्यन हमेशा एनी की बातें करता रहता है। हाँ भाई आर्यन, बेटा तुम्हें तो कोई इतराज नहीं हमारे इस फैसले से? नहीं नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है, जब मर्जी शादी करा दीजिए। इससे तो हमारे से भी ज्यादा चलती है। तो आज ही ले चले। अरे क्या बात है, सब लोग बहुत हंस रहे हैं, जरा मुझे भी तो बताइए। एनी बेटा, हम सबने मिलके एक फैसला लिया है कि तुम्हारे टूर्नामेंट पे जाने से पहले तुम दोनों की सगाई कर देते हैं। लेकिन पापा इतनी जल्दी, अभी मुझे सोचने का थोड़ा वक्त तो दीजिए ना। एक काम करो, तुम सगाई अभी कर लो, सोच बाद में लेना। क्या मतलब? मतलब ये बेटे कि अभी सिर्फ तुम लोगों की सगाई हो रही है, शादी जब तुम जाओगे तब हो जाएगी। फिर सही है। लेकिन पापा मेरी एक शर्त है, हम दोनों की सगाई बिल्कुल सिंपल तरह से होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस वक्त अपना सारा ध्यान अपने गेम पे लगाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अब चले नी? चलो। अच्छा अंकल, बाय बेटा। बाय बाय बेटा। बाय।
ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अरे वाह भाई मल्होत्रा, आज तो ये सब ठीक ठीक हो गया. वेरी गुड. आज तो फिर हो जाए. आर्यन इस बार लड़कों का टीम की कैप्टन नहीं होगा. प्रेसिडेंट सर, क्या आप सभी बातों पर सोच विचार करने के बाद ये सब कह रहे हैं? इस बार ही तो सोच विचार करके कह रहा हूँ. आर्यन पिछले 3 साल से हमारी टीम का कैप्टन है, लेकिन एक बार भी जीत नहीं दिला पाया. ही इज अ गुड प्लेयर बट नॉट ए गुड कैप्टन, और हमारी टीम को एक कैप्टन की जरूरत है. आपकी बात बिल्कुल सही है भार्गव जी, लेकिन आर्यन के फादर इस क्लब के सबसे बड़े ट्रस्टी हैं. मैं भी पिछले 3 साल से यही सोच के सिलेक्शन करता रहा हूँ, मगर रिजल्ट क्या मिला? बॉयज टीम की हार. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और फिर आर्यन टीम में तो है ही, हम उसे निकाल थोड़ी ना रहे. सही बात है, मैं भी चाहता हूँ लड़कियों की टीम का तरह लड़कों की टीम भी जीते. सर जब आपने ये फैसला कर ही लिया है, तो क्या आपकी नजर में कोई ऐसा प्लेयर है जो आर्यन से बेटर खेल सके और टीम को जीत दिला सके? यस बिल्कुल है, और आप सभी उनको जानता है. जानते हैं? ऐसा कौन है? कपिल. कपिल? यस कपिल चौधरी. क्या आप उसी कपिल के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आज से 3 साल पहले मिसबिहेव के कारण क्लब से निकाल दिया गया था, जिसने ना बोर्ड की परवाह की और ना बोर्ड के नियमों की? आप दोबारा उसे कैप्टन बनाना चाहते हैं? मैडम शायद आप ये भूल रही हैं, कपिल ही एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने क्लब को लगातार 3 साल जीत दिलाई. कमी किसमें नहीं होती है, कभी कभार दूध देने वाले गाय की लात भी सहनी पड़ती है. सर क्या आपको लगता है कि वो बोर्ड के नियमों का पालन करेगा और खिलाड़ी भी उसके साथ कम्फर्ट फील करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे. एक्चुअली उससे सिर्फ वही खिलाड़ी चिढ़ते थे जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और बोर्ड के कुछ ऐसे मेंबर हैं जिन्हें खिलाड़ियों से चमचागिरी कराना पसंद है, सिर्फ वो नाखुश थे. और यही सभी बातें कपिल में नहीं थी, बाकी सभी खिलाड़ी उससे खुश थे. लेकिन सर मैंने तो सुना था उसके बाद वो गांव चला गया और खेतीबाड़ी करने लगा. हाँ ये बात तो सही है, और अगर उससे मिलना है तो गांव तो जाना ही पड़ेगा. ठीक है, रिकॉर्ड में उसकी गांव का एड्रेस पता करें, हम बोर्ड के कुछ मेंबर उसके गांव भेजेंगे. ओके सर. दैट्स ऑल. हेलो. हाँ भार्गव जी नमस्कार. नमस्कार जी. नमस्कार. हाँ भाटिया जी कहिए, क्या बात है? कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए फोन किया आपको. हाँ हाँ बोलिए. देखिए हमने और मल्होत्रा जी ने मिलकर एक फैसला किया है जी, कि टूर्नामेंट से पहले एनी और आर्यन की सगाई कर दे. अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? टीम कब जा रही है? 5 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर से टूर्नामेंट है, और इसलिए हम टीम को 5 दिसंबर को भेज रहे हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पंडित जी ने जो शुभ मुहूर्त निकाला है वो भी 5 दिसंबर का ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी टीम को पहले भेज देते हैं, फिर इन दोनों बच्चों को 6 तारीख को मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा. अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाटिया जी, अरे वो दोनों भी तो हमारे ही बच्चे जैसे हैं, अरे हम जाने की व्यवस्था कर देंगे, आप चिंता ना करें, आप आराम से सगाई की तैयारी कर लीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जी जी. अच्छा एक बात और पूछनी थी कि वो हेलो हेलो लगता है कट गया. अब तो ब्याह करवा ले, और मैं कितने दिन तक काम काज करती रहूंगी, तुझे तो चिंता है नहीं. तुझे नार कटवाना है ना, या बीच में छोड़ के जाऊं? तेरी मौसी ने इतना बढ़िया रिश्ता भेजा, लड़की 10वीं पढ़ रही और सिलाई कढ़ाई का सारा काम जाने. तो तुझे दर्जी की दुकान खुलवानी है के? मेरे गैल अब तो पोते पोती होली होली, हर एक मैं हूँ. तुझे घर में शांति अच्छी ना लगती के? बहु आती शांति भंग हो जा घर की. हे भगवान अब तू ही कुछ कर. अरे ये कौन आ गया? ये तो दिल्ली से आए दिखे. नमस्कार जी. नमस्कार. राम राम जी. राम राम जी. अरे कपिल जी जा दूध दाद लेका जी. बैठो जी. बहन जी हम दिल्ली से आए हैं कपिल को वापस ले जाने के लिए. हाँ ताकि फिर तुम इसकी बेइज्जती कर सको. हैं के कमी थी मेरे छोरे में, खेल ले कोई इस तो बढ़िया देश में. बहन जी हम जानते हैं कपिल सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तभी तो हम खुद चल कर आए हैं उसको लेने के लिए. हम चाहते हैं कि वो फिर से हमारे लिए खेले. बिल्कुल ना, बिल्कुल ना खेल ले. जरा सोचो बहन जी, अगर कपिल इस टूर्नामेंट में खेलता है
तो इंडियन टीम में सिलेक्ट हो सकता है। मुझे जरूरत ना किसी टीम फीम की, पता मेरा छोरा गाजियाबाद की टीम में खेल रहा है। बहन जी, गाजियाबाद और इंडिया में फर्क समझो। हम उसके सुनहरे भविष्य के लिए आए हैं, आप मना करके उसका भविष्य ना बिगाड़ें। पर एक बात मेरे कान खोल कर सुन लो, आज जब मेरे छोरे के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वहीं आके तेरी टाइफाइड दिल्ली में फाड़ दूंगी। बहन जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पे भरोसा रखो। अरे कपिल, कैसे आना हुआ सर? हम तुम्हें लेने आए हैं कपिल। भूल गए सर कि मेरी कैप्टनशिप छीन के कैसे मुझे बेइज्जत करके क्लब से निकाला गया था, वो भी सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए। हमें अपनी भूल का एहसास है कपिल, तुम कल भी क्लब के कैप्टन थे और आज भी क्लब के कैप्टन हो। मैं छोटे से क्लब में खुश हूँ सर, अब मुझे जरूरत नहीं है किसी क्लब की। लेकिन क्लब को तुम्हारी जरूरत है कपिल। ज्यादा जिद नहीं करा करते, जब ये अपनी गलती मान रहे, गुस्सामन कर रहे, घरों चल के आए, फिर तुझे क्या हो रहा? लेकिन मुझे नहीं जाना, 3 बार निकाल चुके हैं, अब नहीं जाऊँ। जाना क्यों नहीं, जब मैं कह रही खेलना तुझे है मुझे। खेल लेगा भी तू ही और जावेगा भी तू ही, मैं कह रही इस बात को। तू तो नहीं करेगा रे बस। अरे सुन तो सही, तुम चिंता ना मानियो उसकी, मैं जिम्मेदारी ले रही, यू आवेगा। और तुम नो बताओ कद आना इसे? 5 दिसंबर को इसको क्लब में पहुंचना है। 5 दिसंबर को? भाई 5 दिसंबर को तो ये कतई ना आवे। 5 दिसंबर को छोरे की कोथली लेकर जाना इसे, और 6 तारीख को मैं बखत ही भेज दूंगी। हाँ जी कोई बात नहीं, आप 6 तारीख को भेज दियो। हाँ यू सही है। और अब जब तुम बैठो रोटी पानी खा के जाइयो है। हेलो, हाँ शर्मा जी, वो जो तुम्हें लिस्ट बनाया था ना ए और बी, हाँ उनमें से लिस्ट ए जो है नोटिस बोर्ड पे लगा दो। लिस्ट ए। अरे इस बार तो किसी कपिल को कैप्टन बनाया गया है। अरे बोर्ड का ये ऐसा कैसा फैसला? अरे जिस कपिल को इस बोर्ड ने निकाल दिया था अब उसी को कैप्टन। मुझे तो पहले ही शक हो गया था, मैं ये टूर्नामेंट खेलने नहीं जाऊंगी, मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। यार आखिर ये कपिल है कौन, और मैंने आज तक कभी इसे नहीं देखा, और वो खेलता कैसा है? एक्सीडेंट, जब वो फील्ड में होता था तो सिर्फ वही और वही दिखता था, एक आंधी है एक तूफान है वो। जब वो खेलता था तो उसके कब्जे से बॉल छुड़ाना तो दूर, किसी को उसके गोल को रोकने की हिम्मत नहीं थी, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो उसके आगे टिक सके। सच मानो टीम उसी की वजह से जीतती थी। ऐसा लगता है काफी अच्छी तरीके से जानती है उसे, आंधी है वो तूफान है वो। चलो चलो बहुत तारीफ होगी, अब निकलो यहाँ से। कैसी बातें कर रही हूँ एनी, मैं तो बस यूं ही। मैंने कहा ना अगर वो तुम्हें इतना ही पसंद है तो जाके उसके साथ रहो, हमारे साथ नहीं, अंडरस्टैंड? देखो एनी, ये हमारी काफी पुरानी दोस्त है। चिढ़ है मुझे उसके नाम से भी, और ये मेरे सामने उसकी तारीफ करे जा रही है, इसके लिए हमारे ग्रुप में कोई जरूरत नहीं है। एंड यू नाउ गेट आउट। पता नहीं वो हमारी कुंडली में फिर से कहाँ से आ गया। चलो खैर कोई बात नहीं, हम चल के कुछ खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। भूख? भूख तो मुझे देख के अच्छो की उठ जाए। हाँ चल ठीक है, सारा सामान धर लिया? हाँ सारा सामान धर लिया। एक बात बता, इस बार केले का आवेगा मेरे लिए? के लाऊंगा, जो हर बार लाऊं वही लाऊंगा। मेडल? मेडल तो बड़ी चीज ना होती कुछ, मजे तो मेडल तो बड़ी चीज चाह। ठीक है अब कतेनिया, मैं मेडल तो भी बड़ी चीज लाऊंगा। वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। लेकिन और ज्यादा अच्छा होता अगर आर्यन आज फिर से कैप्टन बन गया होता। नहीं बना तो क्या हुआ मल्होत्रा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके कैप्टन बनने या ना बनने से। ऑफ कोर्स, हाँ एक छोटी सी इच्छा थी वो अधूरी रह जाएगी, मैं 2 कैप्टन्स की शादी देखना चाहता हूँ। पापा ठीक, ठीक। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक ये शादी 2 कैप्टन्स के बीच। हाँ अंकल, मैं खूब मेहनत करूंगा और फिर से कैप्टनशिप हासिल करके रहूंगा। ऑफ कोर्स, मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, ये जो कहता है वो करता जरूर है। बिल्कुल सही कहा, आखिर बेटा किसका है। है तुम शॉपिंग बहुत करती हो, ठीक कर ले।
और क्या, पिछले साल भी तुमने इतनी सारी जैकेट्स ली, अब भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा किसी ना किसी मॉल से। सर अब हम खड़े क्यों हैं, चलते क्यों नहीं? बस यानी हमें किसी के आने का इंतजार है, फिर चलते हैं। ओके सर, आपके लेजर्स खुले हैं। ओह माय गॉड। अब मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। वाओ। ओए, आ गया साड़ा कैप्टन। मगर ये किस लिए? सर ये मेरी लक्की बॉल है, मैं इसे हमेशा साथ रखता हूँ। ओके इट्स गुड, गाड़ी में बैठो, बस तुम्हारा इंतजार था। जी सर। चलो भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीट पे बैठने की? उठो यहाँ से। तुम्हारी सीट? नाम तो लिखा नहीं तुम्हारा कहीं। यहाँ मेरा सामान रखा हुआ था। मेरा सामान कहाँ है? कहीं उस सामान की बात तो नहीं कर रही जो मैंने डिग्गी में फेंक दिया है? तुमने मेरा सामान उधर फेंक दिया? सीट बैठने के लिए होती है, सामान रखने के लिए। क्या हुआ? देखो ना, एक तो ये मेरी सीट पे बैठ गया और ऊपर से इसने मेरा सामान भी पीछे फेंक दिया। चल जल्दी से सीट खाली करिए। हाँ लगता है बॉडीगार्ड है, पिछली बातों को भूल गया क्या? वो वक्त और था कपिल, जो गुजर चुका है। लेकिन हम गुजरा हुआ वक्त नहीं, हम 3 साल पहले भी वही थे जो आज है। भूल गया तू जब मैं इस क्लब का कैप्टन होता था और तू देशवाल क्लब की तरफ से खेलता था? आया कुछ याद या याद दिलाना पड़ेगा? हाँ हाँ सब याद है, फिलहाल तुम ये सीट खाली करो। ये सीट है या कोई डब्बा है जो खाली करूं? अभी खाली करनी पड़ जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? सर देखो ना, दोनों लड़ रहे हैं। कुछ नहीं सर, ये दोनों अपनी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। चुप कर बदतमीज, ये क्या हो रहा है? सर देखिए ना, एक तो ये मेरी सीट पे जबरदस्ती बैठा है और ऊपर से इसने मेरा सामान भी पीछे फेंक दिया है। सर ये सीट कहीं चुनाव में जीत के आई है क्या? इट्स नॉट गुड, तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बैठ जाते? सर ये आप क्या कह रहे हैं? सर मैं किसी शैतान के साथ बैठ सकती हूँ पर इस बदतमीज के साथ कभी नहीं, नेवर। दैट्स गुड, लोग अपने परिवार वालों के साथ ही तो आसानी से बैठ सकते हैं। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पहले मुझे अच्छी तरह जान लो फिर जान लेना। चलो जल्दी एक दूसरे से सॉरी बोलो। सर अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो ये सीट छोड़ेगी, अगर ये सॉरी बोलेगी तो मैं सीट छोड़ दूंगा। गुड डिसीजन। सर इससे बोलिए सॉरी बोले। सॉरी। म्यूजिक लगा दे भाई। मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। भाई जहाँ भी मुझे कुछ दिखेगा तो गड्डी में जरूर रुकवाऊंगा। सर चने बटवा दो। चने? चने तो घोड़े खाते हैं, तभी तो दुम दबा कर दौड़ते हैं। और जब वो लात मारते हैं ना
तो 32 ही बाहर आ जाती है। छोड़ो ना यार एनी, हम कुछ अच्छी बातें करते हैं, हमें गवारों से मुंह नहीं लगना है। हाँ मुंह लगेंगे तो मुंह की खानी पड़ती है ना। कोच सर आज ही गाड़ी कहीं रुकेगी भी या बस यूं ही चलती जाएगी? ए, की गल है, सब ठीक तो है। भूख के कारण पेट में चूहे दौड़ रहे हैं सर। ओए होटल आएगा तभी तो गाड़ी रुकेगी। भाई भूख तो मैनू भी बहुत लगी है, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। कब आएगा होटल सर? ओ सर देखो सामने ढाबा। सर रुकवाओ। ओ रोक भाई रोक इतने ही। ठीक है जी। अब जान में जान आई है। आ गया ढाबा। तो भाई जिस जिसने खाना खाया है। कमाल का ढाबा लग रहा है ये तो। कैसे गंदे ढाबे पे गाड़ी लाके रोकी है? मैं यहाँ खाना तो दूर, यहाँ का पानी कट नहीं पी सकती। आउच! ला भाई एक थाली लगा के, क्या है तेरे पास? कढ़ी साग वगैरह कुछ? हाँ भाई दसो भाई किसने क्या क्या खाना है। चलो भी साथ। नहीं एनी तुम सुबह से भूखी हो, आखिरकार कुछ तो खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना, मैं किसी अच्छी जगह जाकर खाऊंगी, मुझे नहीं खाना यहाँ का गंदा खाना। मैं कुछ अच्छी चीज देख कर लाता हूँ तुम्हारे लिए, चलो तो सही। मुझे नहीं जाना। चलो भी साथ। मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना, तुम्हें खाना तो तुम जाके खाओ। अच्छा प्लीज मान जाओ, चलो तो सही। तुम बैठो मैं खाना लाता हूँ। कमाल की बनाई है बनाने वाले ने, भाप उठ रही है भाई। शाही पनीर भी कमाल है। सर मैं तो बैंगन खा रही हूँ। हाँ तुझे तो बैंगन ही खाना चाहिए, डेली यूज करो फायदा जरूर मिलेगा। है नहीं यहाँ चिकन तो है नहीं, दाल मखनी लेकर आया हूँ, खा कर देखो। ओए की होया जवान? सर अपना तो हो गया। ओए कुछ डाइट नहीं रहती आजकल दे नौजवान। अरे अरे पानी क्या ये? कितनी मिर्च है इसमें? ओह माय गॉड कितनी मिर्च है इसमें, ओह माय गॉड। जली रे जली देखो हाय फुल झड़ी है, लगी देखो मिर्ची लगी, जली देखो हाय फुल झड़ी, लगी रे लगी देखो मिर्ची लगी, जली रे जली देखो हाय फुल झड़ी, लगी देखो मिर्ची लगी, जली देखो हाय फुल झड़ी। मुँह में फुलारी रही नखरे दिखा, मुँह में फुलारी रही नखरे दिखा, करल की बहना वो निम चढ़ी चढ़ी चढ़ी, लगी देखो मिर्ची लगी, जड़ी देखो है फुल जड़ी, मिर्ची लगी देखो मिर्ची लगी, जली रे जली देखो है फुल जड़ी। करे यूज वो हाथ किसी चीज को लगाए नहीं, चाइनीज बर्गर पिज्जा खाए बड़ा, चाइनीज बर्गर पिज्जा खाए बड़ा, भूल गई सरसों का साग और कढ़ी कढ़ी, लगी देखो
जली देखो है फुलझड़ी। पापा हुए डैड मम्मी मोम हो गई, छोटे बड़ों की शर्म कहाँ खो गई, चाचा ताऊ मामा फूफा अंकल बने, राम रहीम देखो हेलो हाय हो गई, रिश्ते नाते दौलत से इनके यहाँ, अरे रिश्ते नाते दौलत से इनके यहाँ, बाकी सबसे दूरी है इनकी बड़ी बड़ी। मिर्ची लगी देखो मिर्ची लगी, जड़े जड़ी देखो है फुल जड़ी, मिर्ची लगी देखो मिर्ची लगी, जली रे जली देखो है फुल झड़ी। बने मेकअप करे ये ब्यूटी पार्लर में जाके, कैटवाक देखे छोरे पागल बने, दूर से है अच्छी इनकी हुस्न अदा, अरे दूर से है अच्छी इनकी हुस्न अदा, पास नहीं जाना ये है कड़वी घड़ी घड़ी। मिर्ची लगी देखो मिर्ची लगी, जड़े जड़ी देखो है फुल जड़ी, अरे मिर्ची लगी देखो मिर्ची लगी, जली रे जली देखो हाय फुल झड़ी। क्या है ये? कोट है। इस गंदे कोट को संभाल कर रखा करो। बड़े काम की चीज है ये। गाड़ी साफ करते हैं हमारे यहाँ नौकर ऐसे कपड़ों से। थैंक यू। वेलकम। काम पर है सर। इधर को ले ले। अच्छा जी। सर मुझे लगता है रास्ता सीधे वाला है। ओए मैनू तो कोई रास्ता सीधा नहीं लगता। हमें लगता है ना ड्राइवर ठीक बोल रहे हैं। हाँ हाँ ये रास्ता बिल्कुल ठीक है सर। नहीं हम इधर वाले रास्ते से जाएंगे। ठीक है। ओ इधर वाले से ले ले भाई। ठीक है सर।
की होया भाई, गड्डी की रोक दी? सर मुझे लगता है गाड़ी गर्म हो गई। हाँ भाई। सर कहीं से पानी लाकर डालना पड़ेगा। ओ पानी? ओ यार इतने थे कितने दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, एक गड्डी ने भी ना होने ही खराब होना सी। सर मैं कैन लेके जाता हूँ, हो सकता है कि आसपास पानी मिल जाए। और रुक जा, बैठे बैठे सारा शरीर रकड़ गया है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। आइए सर। क्या हुआ सर? ओए कुछ नहीं, गड्डी गर्म हो गई है, हम पानी लेने जा रहे हैं, तुम सब अपना ध्यान रखना, ठीक है? चलो यार चलते हैं, बाहर चलकर देखते हैं, और यहाँ बैठे बैठे थक भी तो गए हैं। हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं। पता नहीं कितने जन्मों की नींद पूरी कर रहा है कुंभकर्ण। चलो यार सुबह से बैठे बैठे पिछवाड़ा भी लोहे का हो गया और ऊपर से बड़ी जोर से लगी। जा जा कहीं पेंट में ही। पागल गई का। मैंने पापा को अपनी गाड़ी के लिए बोला था, भेज दिया खटारा में। शिट डैम। ओह वाओ क्या वादियाँ हैं। इट्स वेरी नाइस। या इट्स रियली सो नाइस। यार मेरा कैमरा कहाँ है? तुम्हारे बैग में ही होगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। ओके। ए एनी मैं अभी आती हूँ। तुम्हें भी? लाओ अब मैं तुम्हारी पिक्स लेती हूँ। ओह माय गॉड, घड़ी घड़ी क्या देख रही हो, चलो भागो। नहीं आर्यन ये तुम कैसी बात कर रहे हो, रूबी की जान खतरे में है। वो जंगली भालू है नी, और खतरनाक भी, हम दोनों चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लड़ाई इसी में है, रूबी को बचाने की बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करो। But Aryan, she is my friend. जज्बाती बनने की कोशिश मत करो, जब जिंदा ही नहीं रहोगी तो दोस्तों का क्या करोगी। नहीं आर्यन, मैं उसे ऐसी मुसीबत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तुम पागल हो चुकी हो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं आर्यन, मैं उसे बचा के ही रहूंगी। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है कि नहीं? आर्यन तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? नहीं एनी, यू आर नॉट कमिंग विद मी। यू आर कावर्ड, आज समझ में आ गया। आई डू अंडरस्टैंड एनी, कम विद मी। नो यू कैन गो, आई विल हेल्प माय फ्रेंड, यू अंडरस्टैंड। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना है कि नहीं आना है? काहे हो तुम, काहे? अरे भालू 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 अलू भागो, रुक आर्यन मैं भी आ रहा हूँ। बाथरूम कर लेता हूं।
मैं तो रूबी को बचा रही थी, हमला किया है मुझ पे। रूबी कहाँ है? रूबी को तो भालू ने मार दिया। मार दिया? और बाकी लोग? भाग गए। भाग गए? अब बैठे बैठे देख क्या रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं? मैं तो जो करने उठा था वो ही नहीं कर पाया हूँ। क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते? अब तो जो कुछ करेगा यही करेगा। ओ माई गॉड, वैसे तो तुम बड़े मर्द बनते हो। तो मैं इससे कुश्ती कर लूं? लड़की को पीछे छोड़ के आ गए? ओह, चाबी तो है। हाँ, तुझे तो मैं कारगिल में छोड़ आया। अरे सर, क्या हुआ? और ड्राइवर कहाँ है? अरे नंदू को तो भालू ने मार दिया है। सर, नंदू को भी मार दिया? लगता है सर हमारा बचना भी मुश्किल है। अरे चुप चुप बोलो। सर, हम पे तो भालू ने हमला कर दिया था, और अब तक तो लगता है रूबी और हैनी को भी भालू ने मार दिया होगा। या भाई, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मुझे लगता है कि ये जंगल भालुओं से भरा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आता सर, भाग कर जाए भी तो जाए किधर? इधर भागे तो भालू, इधर जाए तो भालू। लगता है सर हमारा बचना भी मुश्किल है सर। और अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और मेरा तो फोन भी गाड़ी में रह गया, और अब तो पापा को भी फोन नहीं कर सकते। अरे ये तो मुझे याद ही नहीं मेरे पास भी फोन है, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। लाओ सर, मैं पापा को फोन लगाता हूँ। गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी इस तरह चलाई जाती है? जिंदगी में कभी गाड़ी चलाई भी है या नहीं? नहीं, गाड़ी तो नहीं चलाई। हाँ, ट्रैक्टर बहुत चलाए गाँव में। क्या ट्रैक्टर? ओह माय गॉड, भालू से तो बच गए, लगता है आप नहीं बच सकते। क्या होगा?
चल गया ट्रैक्टर। कहा था ना ये गाड़ी है कोई ट्रैक्टर नहीं। देखा ना कैसे चली। ऐसे तो कोई गधा भी चला सकता है। जहाँ मैंने चलाई ना तेरा बाप भी नहीं चला सकता। यू नॉनसेंस, गांव के गवार हो तुम। इस गवार की वजह से ही भालू से इतनी दूर आ पाई है तू। मैं देखता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तू देख जरा उधर। क्या हुआ? वो तो यहाँ आ गया लेकिन इतनी जल्दी यहाँ आया कैसे? साले का एरिया है, शॉर्टकट मालूम होगा। नीचे देख। नहीं मैं नीचे नहीं देख सकती। मैं कह रहा हूं नीचे देख। हाँ इस पे खड़ी हो जा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्यों शोर मचा रही है? तुम्हें दिखाई नहीं देता नीचे कितनी गहरी खाई है? हिम्मत रख। दूसरों को प्रवचन देना बहुत आसान होता है, जब खुद पे बीतती है ना तो पता चलता है। बड़े खुश हो रहे होगे मुझे लाचार देख के, खुद तो बड़े मजे से पेड़ पे बैठे हो। हाँ मैं तो यहाँ अमरूद तोड़ने चढ़ा हुआ हूँ। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन कुछ तो सोचो यहाँ से नीचे उतरेंगे कैसे। ये तो यूं करते रहेगी, बाथरूम कर ले। ये कौन सी बहादुरी थी? तुम्हें वहां पेड़ पे अच्छा नहीं लग रहा था ना मैं? हाँ वाओ, कमाल का नजारा है। अब ये नजारे छोड़ो और किसी तरह यहां से नीचे उतरने की सोचो। सोचने का मौका मिल रहा है? कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं। अच्छा तो आप जरा जल्दी करो। ज्यादा जल्दी है तो कूद जाओ। हाँ तू तो सोच ही रहा होगा यहाँ से गिर जाए तो मजा आ जाए। तुम्हारा बस चलता ना तो मुझे भालू के सामने डाल देते। अगर भालू के सामने डालना होता ना तो तुम्हारे आने से पहले मैं खिड़की बंद कर सकता था। और मैं तुम्हारी वजह से खड़ा हूँ यहाँ मालूम है? आए हाय, हम यहाँ तुम्हारी गलती के कारण पहुँचे। मेरी गलती के कारण? और उस अपने फूफा को तू लाई थी बुला के? बुरी फंसी हूँ मैं।
एक तरफ जानवर, दूसरी तरफ ये गवार घोड़ा। ए टेंशन, मारूंगा एक थप्पड़, पड़ेगी नीचे जाके। बड़ी अकड़ दिखा रहा है, सोच रहा होगा लड़की है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। लड़की है? नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने गंदे नहीं हो सकते। मैं तो समझी थी कि तुम वो। तुम्हें जगह दिख रही है यहाँ कुछ करने की? खड़े तो मुश्किल से हो पा रहे हैं। देखिए, जो भी हो, जैसा भी हो, किसी भी कीमत पे जो हो सकता है आप करें। यशवर्धन जी, हम ये सब क्या सुन रहे हैं? हमारे बच्चे खतरे में हैं। जी हाँ, यही वो कब्र है जिसने हमारा होश उड़ा रखा है। कुछ किया आपने? हाँ हाँ, हमारे एक टीम उत्तराखंड के लिए जा चुकी है। अटे जी, हाँ, आप डीआईजी साहब को फोन मिलाओ। जी, पुलिस से मेरा बात हो चुकी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। यशवर्धन जी, हमारे बच्चों की जान खतरे में, हम यूं ही खड़े खड़े ये सब नहीं देख सकते। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, आओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी नीचे, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तू यहीं रह, मैं जाता हूँ। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो कैसे जा सकता हूँ? मेरा मतलब है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? देखो टेंशन, यहाँ एक ही रास्ता है, पसंद हो या ना हो। सुनो, एक रास्ता और है, अगर तुम चाहो तो। बोलो। तुम तो उधर ही रहे हो। हाँ। तो अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर। गुड, जबान तो बड़ी कैंची की तरह चलती है तुम्हारी, हाथ नहीं चलते। आइए, सैर करा दूं, घोड़े की, चने वाले घोड़े की। आ, क्या हुआ? मेरी रिंग। फेंक दे इसको, इसकी यहाँ कोई कीमत नहीं है। क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे फेंक दूं? ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है। ओके ओके ओके, आइए। तुम्हें अब नहीं रोक सकता, पर नीचे उतर के कर लेना। नीचे देख कितना रह गया। क्या हुआ? ओह माय गॉड, अभी तो जमीन कहीं भी नहीं दिख रही। अब अच्छा ठीक है, मैं बेल पकड़ती हूँ, तुम कर लो। ओके ठीक है। Now you can. पकड़ लोगी ना? Yeah, no problem. Okay. Oh my God. Oh my God. पहुंच जाते हैं अभी गॉड के पास। तो मैं क्या करूं? एक तो यहाँ आसमान में लटके हुए हैं, ऊपर से तुम होगी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा हूँ, मैं तुम्हारा बोझा उठा रहा हूँ। जब मैं जगा था ना, तो मैं बाथरूम करना चाहता था, लेकिन तुमने ऐसा प्रोग्राम दिया है कि फुर्सत ही नहीं है कि मैं बाथरूम कर सकूं। लेकिन अब मैं नहीं रोक सकता, अब नहीं रोक सकता मैं। कर लो अब। जोक सुना है तुमने? एक अंग्रेज एयरपोर्ट पे आया, तो वहां एक आदमी बाथरूम कर रहा था, तो अंग्रेज ने पुलिस वाले से पूछा, यहाँ कोई पकड़ता नहीं है। स्टॉप। ओके, आई ट्राई। आह।
आंखें क्यों बंद कर रखी? मेरी मर्जी। कुछ दिख रहा है क्या? शट अप, जल्दी करो। ये भी मेरे हाथ में है क्या? तो मेरे हाथ में है। ओके। अब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। चले अब। अरे ये क्या, रस्सी खत्म हो गई? अब क्या करें? हाँ, जमीन तो अभी बहुत दूर है। हाँ दूर है, लेकिन अब करें क्या? करते क्या है, लटके रहते हैं, झूलते रहेंगे। हाँ, तुम्हें तो कुछ ज्यादा मजा आ रहा है ना यहाँ? यहाँ इतना ही आ सकता है। ओ माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई यहाँ? अच्छा एक काम करो, तुम ये टाई खोलो। ठीक है। ये क्या ढूंढ रही है? हेलो, क्या हो रहा है भाई? नहीं कुछ नहीं। ले बांध ले। जी नहीं बांध रही। पता नहीं कैसे कैसे लोगों की जान बचानी पड़ रही है। गाड़ी से उतरकर घूम रहे हैं, वादियां देख रहे हैं। वाह जी वाह। मैं बुलाने नहीं गई थी किसी अकड़ू को अपनी मदद के लिए, खुद आए थे हीरो बनने के लिए। अब की बार किसी को मुसीबत में देखूंगा तो पूछ लिया करूंगा, मदद करूं या ना करूं। हाँ ठीक है, तुम मदद कम करते हो और अकड़ते ज्यादा हो। मैं अकड़ता हूँ? कमाल है, मुझे ही नहीं पता। पागल को कभी पता चलता है कि वो पागल है? हाँ ठीक है ठीक है, इससे पहले कि वो भालू फिर से अपना गेम स्टार्ट करे, हमें इस जंगल से निकल लेना चाहिए। That's right. मुझे लगता है रास्ता इधर है। नो, आई थिंक रास्ता इधर है। तू कुछ ज्यादा समझदार है क्या? यस, ग्रेजुएशन कर रही हूँ DU से। समझ में आया कुछ? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिखता नहीं इधर जंगल है। अच्छा अगर इधर जंगल है तो फिर उधर क्या है? आए? मुझे लगता है ये मुझे जंगल में ले जाना चाहता है बदला लेने के लिए। मैं उधर नहीं जाऊँगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है, इसलिए मैं इधर जा रही हूँ। बाकी शाम हो गई, जो होगा कल सुबह हो सकता है।
मैं हूँ। क्या हुआ, चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? मदद करूँ या नहीं? ये मजाक का वक्त नहीं है, वो भालू मेरे पीछे पड़ा है, यहाँ से भागो जल्दी। चलो सकती मैं। वो आ रहा है, आने दो, अब और हिम्मत नहीं। हाय राम, ये मरवाएगी। मुझे लगता है छुपने के लिए ये जगह बेहतर है। क्या कहा तुमने, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हम दोनों इतनी छोटी सी जगह में छिपेंगे? अरे लोग जान बचाने के लिए बिल में छुप जाते हैं, फिर भी ये जगह तो बहुत बड़ी है। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें जान प्यारी हो तो आ जाना। हाँ ठीक है। भयानक खतरा कभी इतने करीब से नहीं देखा। सही कहा, मैंने भी कभी इतने करीब से नहीं देखा। देखो मैं यहाँ मजबूरी में खड़ी हूँ, कुछ गलत मत सोचना। और मैं भी मजबूरी के साथ खड़ा हूँ। क्या करो यार, भागते भागते जान भी निकली जा रही है यार। पता नहीं हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे भी या नहीं। और सर भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। भूख तो भालू को भी लगी होगी, तभी तो वो सबको मारने के बाद भी हमारे पीछे पड़ा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्या हम कैसे ढूंढेंगे रास्ता? मेरी माँ कहती है ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो रास्ता है। ओह माय गॉड, इतना भयानक जंगल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डर नहीं लगता? जंगल से क्या डरना, हाँ जब वो भाई साहब आ जाते हैं तो मुझे भी डर लगता है। क्या कह के आई थी उससे कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तुम बहुत खुश होते हो ना इस तरह की बात करके। थोड़ा खुशी हो लूं, पता नहीं किस मोड पे साला वो एंट्री मार जाए और फिनिश कर दे हमारा गेम। देखो तुम ऐसी बात मत करो, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। और मैं टेंशन के साथ? तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो या बस ऐसे ही? इंटर पास हूँ, यूपी बोर्ड तय। समझ रही है।
ऐसे इठला इठला के चलोगे तो 2 महीने लग जाएंगे इस जंगल से निकलने में, और इतना टाइम नहीं देने वाला वो हमें। यहाँ दर्द के मारे मेरी जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रही है। मैं बुरी तरह से थक चुकी हूँ। वेरी गुड, फुटबॉल टीम की कैप्टन और दौड़ने से थक गई, कमाल है। मेरे जितना दौड़े होते ना तो आज तुम यहाँ ना होते, यमराज के पास होते। यमराज के पास होते? अरे मैं यमराज के पास रहूं, उसकी बहन के पास रहूं, क्या फर्क पड़ता है? What? मैं तुम्हें यमराज की बहन दिखती हूँ? नहीं नहीं, तुम तो एलिजाबेथ की पोती हो। शाम होने वाली है, अब हमें कहीं रुकने का इंतजाम कर लेना चाहिए। क्या रात को जंगल में रुकेंगे? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए एक शीश महल बनवा देता हूँ, तुम उसमें रहना। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या यहाँ रुकने की कोई और जगह नहीं है क्या? देखो यहाँ कोई गेस्ट हाउस या होटल नजर नहीं आएगा। हे भगवान, किस मिट्टी का बना है ये अकड़ू, थोड़ा बहुत ठीक ठाक तो होना चाहिए था। अब कहाँ सोएंगे हम? सोएंगे? देखो टेंशन, सो घर जाकर लेना, यहाँ किसी तरह रात काटो और जिंदा बाहर निकलने की सोचो। लेकिन उसका कोई तरीका भी तो होना चाहिए। तरीका है ना? क्या? मैंने डिस्कवरी चैनल में देखा है, कभी भी जंगल में भटक जाओ तो रात हमेशा पेड़ पर बितानी चाहिए। दिल्ली से उत्तराखंड फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने गई दोनों टीमों के गर्ल्स एंड बॉयज कैप्टन लापता, उनके साथ 3 अन्य खिलाड़ी, कोच व ड्राइवर, गाड़ी सहित कहीं खो गए हैं। बोर्ड का फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार है। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। सुनो, कोई और ऑप्शन नहीं है क्या इसे आसान? हाँ है ना। क्या? नीचे लेट सकती हो। हे भगवान, ओ गॉड। अपने लेटने का बिस्तर बना रहा हूँ, तुम भी बना लो, रात आसानी से कट जाएगी। मुझे तो ये सब पता ही नहीं है ना कैसे होता है, मैंने कोई अपने घर में कभी काम थोड़ा किया है। जुबान तो बड़ी कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। और तुम्हारी हथौड़े की तरह। बाप ने बिगाड़ रखा है, ये भालू सुधार देगा। ऐसा पड़ा है पीछे, दौड़ते रहो दौड़ते रहो। सर, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसे अंधेरे में कहाँ जाएंगे, भालू को तो देख भी नहीं सकते हैं। ओए चुप, शायद कोई यहीं आ रहा है। सब चुप रहो, सांस की आवाज भी ना आए। अरे रात ना देखे, स्कूटर ले आ, चल फटाफट। और बेटे, तने यो खबर सही तो सुनी? तेरी मन ने क्या, या तो पूरे गांव ने देखी खबर टीवी पे, और बेर बेर इसे ही दिखा रहे।
तो फिर देर न कर, चल पता नहीं किस हाल में होगा मेरा चांद। लो भाई अपना तो बिस्तर हो गया तैयार, अब बढ़िया नींद आएगी, भूख भी नहीं लगी क्योंकि चने खा रखे हैं। किसी को दे भी तो नहीं सकता क्योंकि बचे ही नहीं। जब मेरा कहा मान लिया होता, थोड़ी मेहनत कर ली होती तो मेरी तरह लेट रही होती ना, इस तरह ना बैठी होती। अब मुझे आदत थोड़ी ना ऐसी जगह रहने की। हाँ मैं तो ट्रेनिंग लेके आ रखा हूँ ना जंगल में रहने की। पर फिर भी तुम लड़के हो। ओके इट्स गुड, तुम्हारी ये समझ में तो आया। मैं तो सोता हूँ, सुबह फिर मोर्चा संभालना है भाई। सुनो नहीं मुझे जरूरत नहीं है। जरूरत पड़े तो ये ओढ़ लेना। देखो अगर ठंड से बचना है तो यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब एक ही कोट में सोना पड़ेगा। देखो कुछ गलत मत सोचना। सोच कौन साला रहा है, जो कुछ हो रहा है बिना सोचे ही हो रहा है। अगर तुम्हें मेरे यहाँ सोने से प्रॉब्लम है तो बता दो। अगर हुई तो मैं यहाँ से उठ के फिर से वहीं बैठ जाऊंगी। तुमने बताया नहीं। सो जाओ, सुबह उठकर फिर स्ट्राइक संभालनी है। वो खत्म हो गए हैं, मुझे पता नहीं था तुम खा लोगी वरना मैं रख लेता। कोई बात नहीं। खामोशी रात की छुपके से क्या कह रही, कुछ भी नहीं अब खबर, मैं किस दिशा नहीं अब खबर,
गरम गरम सा लग रहा है। कुछ नहीं सर, पसीना है सर। पसीना? तो पसीना बोल रहा है? ये तो मुझे बाथरूम की स्मेल आ रही है। तो मैं क्या करता सर, बड़ी जोर से लगी थी, अभी तो पैंट गीली हुई है सर, अभी पीली भी हो जाएगी सर। अबे रुक जा, मर पाएगा क्या? अरे भाई सुनो। ओए अरे भाई। हाँ जी, क्या बात है? हम यहाँ जंगल में खो गए हैं और अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। बाहर जाने का? अरे आप बाहर ही तो हो, ये रही सामने बस्ती और ये रही सड़क। ओए वाहेगुरु की कृपा से असी तो बाहर ही खड़े हैं और हम भाई जी सारी रात उस गुफा में पड़े रहे और भालू इधर से उधर और उधर से इधर घूमते रहे। भालू? अरे यहाँ कहाँ से आया भालू? मैं रात 20 बार आया लैट्रिन करने के लिए, मुझे दस्त लगे थे, मुझे तो एक बार भी ना मिला। तो वो आप थे, मैं तो भालुओं के डर के मारे सारी रात अपना फोन भी बंद रखा। चलो अब आप हो तो ऑन कर लेते हैं। सर आपने फोन बंद कर रखा था? उधर मेरे पापा फोन मिलाते मिलाते परेशान हो रहे होंगे। मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ। ओए फोन ऑन किया और आ भी गया। हेलो हेलो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, कहाँ हैं आप लोग? लो जी ये तो हमें भी नहीं पता हम कहाँ पे हैं। आपका फोन भी बंद आ रहा है। जब बंद था तो बंद ही आना था। ओके ओके, लोकेशन बताइए। अरे हम कहाँ हैं, लोकेशन का हमें खुद नहीं पता हम कहाँ हैं। ये लो भाई जी से बात करो। हाँ हेलो। हाँ लोकेशन बताइए और इनको रोक के रखिए। ओह माय गॉड, ये आफत कहाँ से आ गई? तू ही आया था ना मेरे छोरे को बुलान? के कह रहा था घर पे कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक होगा। बता बता मेरा छोरा कपिल किससे? तावड़ा बता, नहीं तो मैं तेरा थूथड़ा तोड़ दूंगी। बता जल्दी बता। बहन जी शांत हो जाइए, आप आराम से बात कीजिए। शांत हो जाऊं, आराम से बात करूं? जवान छोरा घर से चला गया और तुम कह रहे शांत हो जाऊं? जिसके दिल पे बीतते है ना वही जाने। हम जानते हैं कि आप परेशान हो, पर हम भी कुछ कम परेशान नहीं है। परेशान है तू, दिख रही तेरी परेशानी। अरे तू तो सूट वूट पहन के यहाँ खड़ा। अरे परेशान तो हम हैं, 100 किलोमीटर चल के आए। और तू परेशान होता ना इस वक्त यहाँ ना होता, वहाँ होता जंगल में। देखिए बहन जी, क्लब के लोग कल ही उनको ढूंढने के लिए जंगल में जा चुका है। गए हैं ढूंढन, सच कह रहा ना तू? पर जो मेरा छोरा ना पाया ना तो थारा ये सारा तान तबूरा ठाक फेंक दूंगी जो तुम यहाँ जमाए बैठे। बहन जी भरोसा रखिए, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। घर? घर तो मैं अपने छोरे को गैर लेके ही जाऊंगी। और यू बोतल ला के देगा मेरे छोरे को? जब तक मेरा छोरा नहीं आता ना जिप लग ना जाऊं मैं यहाँ से। कोई बात नहीं बहन जी, आप आराम से बैठिए। अरे बहन जी के लिए चाय पानी लेकर आओ, इतनी दूर से आई है। चाय पी जा रही है ऐसे में? इन्हें लग रही चाय पानी की, यहाँ रहा तो टूटा नहीं तोड़ा। चलो मन ने भी दूध पी लिया था, तो कुछ भी नहीं खाया, कम से कम चाय पी ले। चाय उतर रही है हड़क बते, पता नहीं मेरा छोरा किस हाल में होगा। सुनो अब उठना नहीं है क्या? सुबह होगी क्या? अब उठ भी जाओ, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना है। हाँ यही तो एक काम है बाकी बस। ओह कमाल है, कितना घना जंगल है भाई रे। चलो ले भाई, पा दिया ना फिर से आपा।
अच्छे भले इस मनुष्य जंगल से निकल गए थे, फिर ले आए मरवाने के लिए। अब आगे क्या होगा वाहेगुरु ही जाने। अच्छा होता सर आर्यन के साथ हम भी भाग जाते, ये लोग खुद तो मरेंगे ही हमें और मरवाएंगे। इंस्पेक्टर साहब ये तो एनी का सामान है, इसका मतलब भालू ने एनी को भी। ये कैप और ये कैमरा यहाँ से मिला है तो लाश भी यहीं मिलेगी। मुझे लगता है हमें कुछ और आगे जाना चाहिए। कमाल दी गल है, और आगे कह के ये तो हमें ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे भालुओं ने हमें पार्टी पे बुलाया हो। नहीं सर हम तो खुद उसका नाश्ता बनने जा रहे हैं, देख लेना सर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। सर जी जान है तो जहान है, इन लोगों की बातों से तो मुझे डर लग रहा है सर जी, हम लोग यहीं से वापिस चलते हैं सर। चुप रहो, पुलिस वाले होकर डरते हो? इस वर्दी को देखकर अच्छे अच्छे की पतलून गीली हो जाती है। सर जी मैं तो बस इतना कह रहा था सर जी, इस वर्दी से इंसान डरा करते हैं, जंगली जानवर नहीं। शट अप, आप आगे जाकर कुछ देखिए। शर्मा जी पुलिस वालों की नौकरी ऐसे ही होती है, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है। इंस्पेक्टर साहब ये डेड बॉडी तो रूबी की है। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा, ये जंगल तो खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। ऐसा मत कहिए इंस्पेक्टर साहब, मैं भी चाहता हूँ बाकी सब जिंदा हो। खिलाड़ी जंगल में गायब हो गए हैं, उन्हें ढूंढने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? कदम उठाएगी नहीं, कदम उठ चुकी है। हमारे क्लब के लोग पुलिस को लेकर उसी जंगल पे जा चुके हैं। सर उनका अभी तक कोई सुराग लगा? अभी तक उनकी कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। अरे बंटी हाँ? योग्य मेला से जोड़ रखा है इन्होंने, मुझे लगा इनकी रिपोर्ट होगी। दिखे अरे देख कहिए जाके क्या हो रहा है। मेरे रनी बनने की बात, तू ही चल। हाँ तो चल, मैं क्या डरूं इनसे। चल सर आप कुछ बता पाएंगे बच्चे अभी तक सुरक्षित हैं या नहीं? देखिए ऐसा है, हम लोग दुआ कर रहे हैं और आप लोग भी दुआ कीजिएगा, वैसे हम पूरी ताकत लगा रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। क्या ताकत लगा रहा तू, तड़की तो देख रही तुझे, इंगे तो उंगे डोल रहा, कभी फोन पर तो अंग्रेजी में बात करने लग जा। अरे फोन तो मिला कर आया क्या बालक? माता जी कौन है आप? पूछ पूछ इस डेढ़ तई। अरे सारे के सारे इकट्ठे होकर आए थे गाँव में। हाँ मेरा बालक तो नट्टे था, वो तो मेरी मत मारी गई थी जो उसकी गैल भेज दिया। इट मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द क्लब स्टेप्स। की गाव है यू? बड़ा अंग्रेज की औलाद, हमारी भाषा में बोल कर देख, फिर बताऊं, फिर खोल लूं उनके एक कक की पोल। मैडम प्रशासन के दावे से क्या आप खुश हैं? इन लोगों ने बच्चों को ढूंढने के लिए जो कदम उठाए हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? के कदम उठा रहे ये, इन्हें बेरा भी एक बालक कैसे ढूंढा जा। हमारे गाँव में रणबीर का देहता खो गया था, पता लगने की देर थी, सारा का सारा गांव वही खड़ा पाया नदी वाली काली जंगलात में। रात में तो छोड़ो, दिन में भी किसी की जान की हिम्मत नहीं होती। अकेला कपिल का बापू ही था जो लाठी बल्लम लेकर बढ़ गया जंगलात में और छोरे को ढूंढ कर लाया। अगर कपिल का बापू जिंदा होता इबलो छोरा नुक खोया रहता, अंको आज्ञा होता। उसके भीतर यू बात बिल्कुल न थी, अकी बालक मेरा है और किसी और का। अगर बच्चे आज भी नहीं मिले तो आप क्या करेंगी? क्या करूंगी, ईंट पे ईंट बजा दूंगी इनकी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कितना भयंकर है ये, अगर कोई इसमें गिर जाए तो बचेगा नहीं। चलो जल्दी यहाँ से आगे बढ़ो। चलो
बस अब और आगे नहीं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। देखो तुम हर वक्त मजाक मत किया करो, मुझे सच में भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। हाँ तुम मेरे यहाँ शादी में आई हुई हो, जो मैं खाना खिलाऊं? तुम नहीं खिलाओगी तो और कौन खिलाएगा, अभी तो तुम मेरे साथ हो। हाँ हाँ ये भी मेरी गलती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज मुझे सच में भूख लगी, आई एम हंग्री। चलो ठीक है कुछ ढूंढते हैं, आओ। जाना था मैंने और अभी खो दिया। आ जाओ कपिल, प्लीज आ जाओ, आ जाओ कपिल, प्लीज आ जाओ। ये बात हमारी समझ से बाहर है इंस्पेक्टर साहब, आप ये नक्शा दिखाकर हमें क्या साबित करना चाह रहे हो? हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन में हम उन्हें कहां कहां ढूंढ चुके हैं, इस वक्त हम यहां हैं। इसको जंगल का नॉर्थ एंड इलाका कहते हैं, भालुओं का इलाका यहीं से शुरू होता है, मौत की घाटी। ये कैसी बात कर रहे हो सर, आप हमें डरा रहे हो? आपको डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। वो इस रास्ते से आगे निकल चुके हैं तो उन्हें बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सर उन्हें ढूंढने का कोई तो उपाय सोचे इंस्पेक्टर साहब। कोशिश कर रहा हूं। ए टेंशन, क्या हुआ? मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मैं कोई सामान हूँ जो खो दिया? हर समय ऐसी मजाक मत किया करो। तो क्या किया करूँ? टेंशन, जल्दी उठो, जल्दी चलो। कपिल चलो उठो। मैं और आगे नहीं चल सकती, मैं बिल्कुल
बिल्कुल थक चुकी हूँ, अब और हिम्मत नहीं। पानी, पानी। यहाँ तो कहीं पानी नजर नहीं आ रहा, चलो थोड़ा शायद आगे मिल जाए। सुनो कपिल, शायद मैं अब और आगे नहीं चल पाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम चले जाओ। देखो तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो कपिल, मत डालो। टेंशन, टेंशन, ए टेंशन। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब क्या करूं? सर लड़की की लाश मिली है और साथ में ड्राइवर की भी लाश मिली है। यशवर्धन जी, ये अभी जो हम सुन के आ रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए बाटिया साहब, हमारे गाड़ी का ड्राइवर और लड़की रूबी की लाश भी उसी जंगल में मिली है, और ये बात अब तक हमने मीडिया से छुपा के रखी है, क्योंकि मीडिया के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और हाँ भाटिया जी, रूबी की लाश के आसपास ही पुलिस को एनी का कोट और कैमरा भी मिला। भाटिया साहब आप घबराइए मत, हम बच्चों को बचाने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जंगल बहुत खतरनाक है, पुलिस उनको बचाने के लिए और जंगल को छानने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ले रही है। दाई बहुत जरूरी बात है। को कहता क्यों ना, डर किस तरह? ये जो गंजा खड़ा ना कोट वाला, इसकी छोरी भी गुम है जंगल में। अच्छा तो यो बात है, यह सारी करतूत इसकी छोरी की है। चल इब देख खुश है। पर सुन तो सही। अरे मजा ना सुनना, मैं डर ना रही इससे। इनकी सबके एक की खाल खींच के मैंने भूसना भर दिया ना, तो चल चल। यशवर्धन जी, जिन चीजों की भी जरूरत है उनका इंतजाम कीजिए, आप जो चाहिए उसको मंगाइए, खर्चे की फिक्र मत कीजिए, खर्चे के लिए हमसे बोलिए आप। बात खर्चे की नहीं है बाटिया जी, किसी भी काम में टाइम तो लगता ही है ना, मुझे पूरा विश्वास है, और भगवान पे भरोसा रखो, आपकी बेटी जरूर वापस आ जाएगी। वापस आने के लिए भाग गई वहाँ है? मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा, तेरी छोरी मेरे छोरे को लेकर भाग गई। What nonsense, ये क्या बोल रही है आप, मेरी बेटी आपके बेटे को लेकर क्यों भागेगी? लाखों में एक है मेरा छोरा, पूरे गाँव में ऐसा कोई ना। बस बहुत हो गया, क्या अनाप शनाप बोलती जा रही हैं आप। आपको मालूम है मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो चुकी है इनके बेटे के साथ। मन फिसलते देर लगे, कोई भरोसा आजकल की छोरियों का? आज इसकी गैल घूम रही तो कल उसकी गैल घूम रही, मन है वो मैनेजमेंट फैनेजमेंट के होवे। प्लीज आप शांत हो जाइए और बच्चों की सलामती के लिए सब दुआ कीजिए। मैं तो शांति हूँ, मैं कह रही किसी तक कुछ, आज जो मेरा छोरा ना पाया तो मिलेगा, जरूर मिलेगा बहन जी। और तू कहीं तो डूब कर मर जाइए, जो तेरी छोरी मेरे छोरे के लिए मिलगी तो। ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। हाँ देखता हूँ, शायद कहीं मिली जाए, तब से वही तो ढूंढ रहा हूँ। भूख लगी है ना? हाँ बहुत ज्यादा। ओके पापा। आ गया तू? तू आ गया? तुम ठीक तो हो बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, पर बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। तुझे सही सलामत देखकर तुझे नहीं मालूम मुझे कितनी बड़ी खुशी मिली है।
तुझे नहीं पता। आर्यन बेटा, एनी कहाँ है? उसको साथ में नहीं ले? आर्यन, चुप क्यों हो गए बेटे? कहाँ है एनी? नहीं पापा, एनी मेरे साथ नहीं आई। मैंने उसे समझाने की कोशिश करी मेरे साथ चल, लेकिन उसने सुनी नहीं और चली गई रूबी की जान बचाने। अच्छा, उनके साथ में कोई है? नहीं अंकल, कोई नहीं है। ओ माय गॉड, ईश्वर मेरी बेटी की रक्षा करना। हमारी एनी को कुछ नहीं होगा भाटिया, वो जरूर वापस आए। ठीक कह रहे हो मल्होत्रा, जरूर वापस आनी चाहिए। बड़ी बहादुर है मेरी बेटी, जो इस हालात में भी किसी की मदद के लिए गई। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। गॉड ब्लेस सर। मेरा बेटा कपिल ना आया? आंटी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। कोई बात ना, बैठ जा, पानी पी ले, खा ले कुछ। अरे वाह, नॉनवेज, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। किस बात का? यही कि जिसे नॉनवेज के नाम से ही उल्टी आ जाती थी, वही मेरे लिए नॉनवेज बना के लाया है। हाँ, कई बार कुछ काम ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं इंसान को। देखो ना कितनी अजीब बात है, तुमने मेरे लिए बनाया और मैं तुम्हें ही खाने के लिए नहीं पूछ सकती। चलो कोई बात नहीं। सुनो, लेकिन ये नॉनवेज है किसका? मुर्गे का। मुर्गे का? पर यहाँ कहाँ से मुर्गा आ गया? यहीं पास में रसीद की दुकान है ना, वहीं से तो लाया हूँ। देखो तुम मजाक मत करो, बताओ ना ये जंगली मुर्गे का है, तुम खाओ। पर इसका स्वाद तो मुर्गे जैसा है ही नहीं। तुमने जंगली मुर्गा खाया है कभी पहले? नहीं। तो फिर तुम्हें स्वाद कैसे पता होगा? तुमने इसे पकाने के लिए आग कैसे जलाई? जला दी ऐसे। ऐसे कैसे? 2 घंटे मेहनत किए लकड़ियों के साथ, तब जाके जली आग। तुम सवाल बहुत करती हो। तुमने कुछ खाया? हाँ खा लिया। क्या तुमने नॉनवेज खाया? हाँ, क्या बात कर। तो अरे चने खाए थे ना, ये तुम खाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो
तो? वो मेरा मतलब है, देखो ना कितनी चोट लगी है, देखो देखो कितनी चोट लगी है। उनको है मेरी फिकर या जादू हुआ है कोई, उनको है मेरी फिकर या जादू हुआ है कोई, नखरा कहीं गुम गया वो तो झगड़े भी नहीं, नखरा कहीं गुम गया वो तो झगड़े भी नहीं, होता ना मुझको यकीन न मुझको यकीन होश उनको नहीं, कितना बदल तुम गए हो, 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 पीठ को तेरा बोझा ढोया ना। ओह थोड़ा मजाक करती हूँ, आज तो तुमने पूरे एक गधे का बोझा ढोया है। गधे का नहीं, एक गधी का। क्या मैं गधी हूँ तो फिर क्यों ढोया? अरे वो कहावत है ना कि गधी पे आया दिल तो परी क्या चीज है। आया दिल मतलब अब चले। क्या बात है, बड़ा चुपचाप चल रहा है, कोई बात नहीं कर सकते? किससे बात करूं? मुझसे और किससे? क्या हुआ? तुमसे बात भी की जा सकती है, आज मालूम हुआ। कपिल तुम्हें आज पहली बार हंसते हुए देखा है, तुम हंसते हुए बहुत ही अच्छे लगते हो। गुड, दुश्मन नंबर वन की हंसी अच्छी लगी, गुड। कितनी मतलबी और चालाक होती है लड़की। लेकिन तुम ये सब भी नहीं कहोगी ना तो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें पता है कपिल, जब तक हम किसी के साथ ना रहें तब तक हम उसे जान नहीं पाते, बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं। पता है तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचती थी मैं, तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होगे ना। हाँ। कपिल तुम्हारे साथ रह के मैंने जाना है कि तुम कितने केयरी हो। अच्छा, लगता है रात को तुमने मेरे बारे में काफी कुछ जान लिया है। हाँ शायद मैं सारी रात अच्छे से सो नहीं पाई, बस सारी रात सोचती ही रही। पर कपिल तुम सोते बहुत बुरी तरह से हो, तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम पड़े कहाँ हो। अच्छा जी, फिर भी मैं इतना बुरा तो नहीं सोता कि मुझे यही ना पता चले मेरे हाथ पैर कहाँ हैं। अच्छा इसका मतलब तुमने सब कुछ देख लिया और तुम मुझे बेवकूफ बन के दिखा रहे थे नींद की एक्टिंग करके। आदमी दुनिया को बेवकूफ बनकर ही जान सकता है,
और हाँ, तुमने अपनी सगाई की अंगूठी क्यों फेंक दी? वो तो तुम्हें बड़ी प्यारी थी। अब उस अंगूठी का मेरी लाइफ में कोई महत्व नहीं रहा, और जिस चीज का लाइफ में महत्व ही ना हो उसे उंगली में सजाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगा था वो मुझे चाहता है, और मैं भी, लेकिन कल की घटना के बाद तो सब कुछ साफ हो गया। हमारे फैमिली स्टेटस एक जैसे थे, तो शायद इसीलिए हमारे घर वाले हमारी शादी करवाना चाहते थे, और शायद इसी वजह से मैं ये शादी भी कर रही थी। लेकिन मैंने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। प्यार क्या होता है ये तो मैंने अब जाना है। क्या जाना है? जिसे मौत का डर भी अलग ना कर सके, जिसके साथ रहने को हर पल दिल करे, जिसका प्यार भी अच्छा लगे और जिसका गुस्सा भी अच्छा लगे। प्यार जिसके लिए हम जिए, जो हमारे लिए जिए, जो खुद की जान बचाने के लिए मुझे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गया, वो प्यार नहीं हो सकता कपिल, जब तुम मुझसे जुदा हुए उस वक्त मानो ऐसा लगा जैसे मेरी सारी दुनिया ही अकेली पड़ गई। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से सारी जान सी निकल गई हो। कपिल, मेरे उन पलों में, मेरे दिल दिमाग में सिर्फ तुम थे कपिल, सिर्फ तुम थे। कपिल, कुछ तो बोलो तुम भी। ओह माय गॉड, कितने सुंदर नजारे हैं। जाए उस गाड़ी का जो वहां खराब हुई, या उस भालू का जिसने ये हालात पैदा किए, या उन लोगों का जो तुम्हें छोड़कर चले गए? नहीं, उस दोस्त का जो मैंने इस जंगल में पाया, जिसने मेरी केयर की और जो मुझे यहाँ तक लाया। आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा। सर, जली हुई वैन मिल चुकी है। लगता है ऊंचाई से गिर के एक्सीडेंट हुआ है। शायद डेड बॉडी वैन के साथ जल चुकी है। आपने अच्छी तरीके से जांच की है ना? यस सर, सारा इलाका हमने छान मारा है। कुछ सामान वैन के साथ मिल चुका है, उसको कलेक्ट किया हुआ है। आगे क्या ऑर्डर है साहब? आप इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तैयार करके आइए। यस सर। इंस्पेक्टर साहब जरा एक मिनट इधर आइए। चलिए जनाब। मुझे ये सब देखकर कुछ और ही लगता है। अगर वो सब जिंदा है तो कौन सी दुनिया में? तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ है। और कोई नहीं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे घर में सिर्फ माँ है? हाँ। और अगर कोई तुम्हारे घर का परमानेंट मेंबर बनना चाहे तो वो मैं हूँ।
हम तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं। तुम भी हमें पसंद करने लगे हो ना, हमें मालूम है। नीचे बैठ जाओ। क्यों? मैं भी दिखा दूंगा कि मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो एनी, जब तक मेरे पैरों में फुटबॉल है, ये मुझे टच नहीं कर सकते। तुम बैठ जाओ, मैं इनसे खेलता हूँ और तुम निकल जाना।
कपिल। हाँ बोलो। मुझे छोड़ दो कपिल, मैं जानती हूँ अब हम दोनों ज्यादा देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं रह सकते। कपिल तुम मेरे लिए अपनी जान मत गवाओ, कपिल मत गवाओ। ये कैसी बात कर रही हो एनी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जज्बाती मत बनो कपिल। कपिल अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकी तो क्या हुआ? मेरी यादें तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। कपिल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कपिल मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन कपिल मुझे अभी छोड़ दो। तब जब मैं तुमसे नफरत करता था तब भी मैंने तुम्हारा साथ दिया, आज मौत के डर से मैं तुम्हें छोड़ दूं? ये तो स्वार्थ होगा। पागल मत बनो कपिल। नहीं एनी, मैं ये पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे पास आओ। I love you कपिल। I love you too। बन गए। अब मेरे हाथ छूट रहे हैं कपिल। क्या कह रहे हैं आप? जली हुई गाड़ी? अरे वैन वो हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि बिटिया हो। आप जंगल में और फोर्सेस भेज के थोड़ा ढूंढवाइए तो सही, हो सकता है ये बच्चे कहीं और मिल जाए। मेरा दिल ये कहता है कि बच्चे अभी जिंदा है। देखिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। आप चाहे तो मेरी पूरी जायदाद, पूरा पैसा, सब कुछ ले लीजिए। मेरा जो कुछ भी है सब कुछ ले लीजिए। आप चाहे तो प्लीज आप ढूंढवाने की कोशिश कीजिए। डीआईजी साहब, मैं अपनी बेटी के बिना जी नहीं पाऊंगा। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। झूठ बोल रहे हैं साहब, मेरी बेटी वो नहीं सकते। डरो मत, मुझे पकड़े रखो। अभी हमारे अध्यक्ष जी को इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे दो बच्चे एनी और कपिल जो मिस थे मिल चुके हैं।
जी हाँ, और वो हेलीकॉप्टर से दिल्ली आ चुके हैं, बस अभी पहुंचने वाले हैं। कपिल, तुम आ गई? हटो कायर। पापा। माँ, तू कहाँ चला गया था? तू कहाँ चला गया था? तू बता, तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? माँ, तुझे अपनी माँ का ध्यान नहीं आया? मेरे खून का पानी बन गया, कहाँ चला गया था तू? Oh my God, ये मैं ही जानता हूँ कैसे झेला इस औरत को। पापा, हाँ? आप दो कैप्टन्स की शादी देखना चाहते थे ना? हाँ बेटा। माँ, जब आर्यन वापस आया था ना, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि तू अगर बोलेगी तब भी इसके साथ तेरी शादी नहीं करूंगा। तेरा कैप्टन तो वो है ना, कपिल? हाँ पापा, वही है जिसके कारण आज आपकी बेटी आपके पास है। आज पहली बार ऐसा हुआ, अब तो खाली हाथ आया। माँ, ऐसा कैसे हो सके? तेरा बेटा हूँ मैं, तने तो कही थी मेडल से बड़ी चीज लाइए। देख आउट। माँ, या तो इसकी दूसरी ड्रेस है खेल की, तू जो कहोगी वो पहन लेगी? या कोई बात ना बेटा, आज का जमाना ही ऐसा है। आ जा बेटी। उई, मका मान जा। ये मुझे क्या हुआ, हूँ किसी पे फिदा। ये मुझे क्या हुआ, हूँ किसी पे फिदा। क्या हुआ, हूँ किसी पे फिदा। ये मुझे क्या हुआ, हूँ किसी पे फिदा। इसका एहसास है वो बड़ी खास है, इसका एहसास है वो बड़ी खास है। किसी पर हूँ मैं मर मिटा। क्या हुआ, हूँ किसी पे फिदा।